ओम शांति। सर्व प्रकार की पवित्रता, इसमें कोई कमी ना हो। सर्व प्रकार की पवित्रता आती है संकल्प में, बोल में, कर्म में। माना जो ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं आती हैं, कोई भी संबंध संपर्क में आता है तो उनकी वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, संबंध संपर्क सब कुछ निभाते हुए पवित्रता, इसको कहते हैं सर्व प्रकार की पवित्रता। तो स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। अगर आप क्रोध करते हो, ईर्ष्या रखते हो, आवेश में आते हो कर्मों में, तो ये भी पवित्रता के खंडन में माना जाता है। कहीं ईर्ष्या रखते हैं, सोचते हैं कौन सी बड़ी बात है, आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में बात करते हैं, कहते कौन सी बड़ी बात है, बाकी तो हमारा सब पे कंट्रोल है, ईर्ष्या पे कंट्रोल नहीं, आवेश पे कंट्रोल नहीं। ईर्ष्या वश व्यवहार, आवेश में आके व्यवहार, क्रोध के वश व्यवहार, तो ये भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, सोचो आप, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। जब आप एक कोई स्वप्न ऐसा देख लेते हो तो जब आप उठते हो उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना होता है। तो आप जब ये वाले कर्म करते हो तो इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ईर्ष्या, आवेश, क्रोध के वश व्यवहार नहीं पड़ेगा तो पवित्रता खंडित नहीं होगी। मन, वाणी, कर्म, कर्म माना कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, सबके साथ व्यवहार में आते हो, वहीं से तो पता चलता है कि आप में पवित्रता कितनी है। आप ऐसे बैठे हो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और व्यवहार में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आवेश और कोई भी स्वप्न, कुछ भी, कैसा भी, उसका प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। तो जीवन पर जब स्वप्न का प्रभाव पड़ जाता है तो कर्मों का कितना पड़ेगा। बहुत विचार करने वाले बाबा के महावाक्य हैं। तो मन, वाणी, कर्म, और कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी, कर्म, कर्म के अंदर आ गया संबंध संपर्क, और चौथा है स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। क्लियर? तो अगर चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। ओम शांति।